ले भाई सलामकुम। जो किशन बाग पे जो लड़ाई झगड़ा हुआ, ये मैं उनका भाई फरीद खान बोल रहा हूँ। निसार खान को जो मारे जो सरदार जहाँ थे, बाइक सेम कलर के उनकी है बोल के गाड़ी की चाबी ले लिए। चाबी नहीं देने गए निसार खान तो उनको पीछे से अटैक करके सर फोड़ डाले। और एक बच्चा भी था 10 साल का तौसीफ खान, वो बच्चे को भी फुल मार दिए। पीएस में जाके कंप्लेंट करे तो पीएस में भी आके वो पूरे जने आके तुम लोग यहाँ से कैसा जाते बोल के पीएस में भी कार डालते बोल के धमकी दे रहे, कैसा कंप्लेंट देते बोल के धमकी दे रहे। पीएस में ऑलरेडी कंप्लेंट कर दिए। हमारे भाई जो सीरियस है अब उस्मानिया हॉस्पिटल में है, अब उनको एक्सरे में लेके गए, टाके वाके लगते बोल रहे तो बोल रहे इसके ऐसे क्या है रिपोर्ट मालूम होना है। वो सरदार जान से हमारा डर है, हमारा डेली आने जाने का रास्ता है, वर्कशॉप को जाने का रास्ता है। और जो मनु सिंह है कहते सबको मार डाल दूँ तुम्हारे ऊपर, वो करवा दूँ बोल के पूरे आगे थे 20-25 जने, 4 जने मिलकर निसार खान को फुल मारे कहते। उन्हें तो अब तो फिलहाल हॉस्पिटल में बेहोश है। ये टाइम ये रात में 10 बजे के टाइम पे इन घर से सौदा लेने के लिए आए थे, रोड पे निकले थे, निकलने से वाकया हो गया। अच्छा, ये कौन लोग है मारने वाले, मतलब गाड़ी रोकने वाले कौन थे ये लोग? ये पता नहीं, फाइनेंस के लोग है, पर हमारी गाड़ी तो फाइनेंस की है नहीं। हमारी गाड़ी क्लियर गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हुआ बोल के गाड़ी के सर की गाड़ी है बोल के पकड़ के जो खींच रहे थे हमारे भाई साहब नहीं दिए गए, चाबी नहीं देने की वजह से चारों मिल के वार करके गाड़ी ले लेके जाने के चक्कर में थे। उन्होंने जो पकड़ के गाड़ी उनके साथ जो बच्चा था वो बच्चे को भी मारे, और 15,000 रुपये भी थे कहते उनके पास, वो भी चले गए कहते। अच्छा, ये कोई चीज से हमला करे या? हाँ, कुछ बता रहे वो उनके हाथों में कड़े थे, वो कड़ों से मारे बोल के बता रहे, वो हाथ के कड़ों से मार दिए शायद।